आज भाकपा माले के गढ़वा जिला सचिव कालीचरण मेहता के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं एवं भूख से हो रही मौत के खिलाफ जन आंदोलन तेज करने एवं भूमि लूट एवं रघुवर सरकार के गलत नीतियों के कारण पारा शिक्षकों को आंदोलन को कुचलने एवं बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार झूठ की गठरी खोलते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव सह पोलित ब्यूरो मेंबर जनार्दन प्रसाद ने गीतांश टीवी को बताया कि भाजपा सरकार से जो अपेक्षा थी देश की जनता की, मोदी की सरकार ने उसके साथ विश्वासघात किया है और जो अच्छे दिन के उनके वादे थे, अच्छे दिन के वादे अब सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए, आपराधिक तत्वों के लिए, और जो भारत के बैंकों को लूट रहे हैं, यहाँ की प्राकृतिक संपदा को लूट रहे हैं, उनके लिए ही रह गई। यहाँ के किसान मारे जा रहे हैं, मजदूर मारे जा रहे हैं, लोग, आम लोग, आम बेरोजगारों को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है, आम लोग बदहाल है। इस अवस्था में भाजपा की ये जो सरकार 4 साल तक चली वो पूरी तौर से विफल साबित हुई है और मोदी सरकार जिस तरह से केंद्रीय संस्थानों को तहस नहस करके समाज में एक वैमनस की राजनीति को फलने फूलने देना दे रहे हैं, उसके खिलाफ में भारत की जनता, भारत की विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं और हमारी भी कोशिश है कि भाजपा के खिलाफ में जनता का एक मजबूत लामबंदी हो और इस लिहाज से इस झारखंड की धरती पर भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ की मुहिम की हमने शुरुआत की है और झारखंड की जनता के जो मुद्दे हैं, जिस तरह से यहां पर भूख से मौतें हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर भूमि लूट हो रही है, जिस तरह से पेशा कानून को, पंचायती राज को पूरे एक तरह से निरस्त करने की कोशिश है और जिस बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्कूलों का मर्जर हो रहा है, जो पारा टीचर्स हैं उनके सवाल नहीं सुने जा रहे हैं, जो स्टीम वर्कर्स हैं वो रसोईया हों, जलसैया हों या पैरामेडिकल्स हों, विभिन्न तरह के जो स्कीम वर्कर उनके सवालों को भी जिस तरह से नजरअंदाज कर रही है सरकार, इसके खिलाफ में एक जनाक्रोश है और इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य की जनता के बीच में हम जाएंगे और हमारी, इसीलिए हमारी जो चुनावी तैयारी है वो चुनावी तैयारी कोई अमूर्त रूप से सिर्फ चुनाव का मामला नहीं है बल्कि जनता के जो सवाल हैं उन सवालों को संगठित करते हुए, जनता के मुद्दों को सामने लाते हुए एक वैकल्पिक राजनीति और एक वैकल्पिक दिशा को स्थापित करने की कोशिश है और उस अनुकूल ही खास करके पलामू संसदीय क्षेत्र में हम अभी से ही भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ की मुहिम प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर जन सम्मेलन के जरिए इसको आयोजित कर रहे हैं। जुलाई के अंत तक इसे पूरे संसदीय क्षेत्र आधारित जन सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद के समय में पूरे जन जन तक इन मुद्दों को लेकर के किसान मजदूरों को, छात्र नौजवानों को वैकल्पिक रूप से संगठित करने की कोशिश की जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि इस राज्य के हर कंस्टिट्यूंसी से भाजपा को इस बार पूरी तौर पर से निर्मूल कर दिया। एक बार पुनः अपना परिचय बताइए। मैं भाकपा माले का राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद। वहीं गढ़वा जिला सचिव कालीचरण मेहता ने भी बताया कि पिछले समय में भी हम लोग जो भी हत्या घटना होती है उसमें हमारी पार्टी आवाज उठाते रही है, मुख्य रूप से हम लोग उठाए हैं पूरे सरकार से लेकर आए जिला प्रशासन तक इस बात को आम जनमानस जानते हैं। मौजूद की घटनाओं में कोई विराम नहीं लगा बल्कि और कहिए कि निर्दोषों की हत्या होते रहे, तो हम लोग लगातार उठाए डुमरिया वाला घटना हो,
आज तक पहली बन गया। जैसे सत्येंद्र तिवारी वाला करुआ की घटना हत्या हुआ वो भी कहिए कि रहस्य बन के ही रह गया, पुलिस उजागर नहीं कर पाई, न ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति ही इस दिशा में बढ़ी। अमित वाले में भी यही हुआ और अभी हाल फिलहाल जो 45 घटना आपको मेराल थाना अंतर्गत हुआ माना मोड़ उसमें पुलिस से 6-6 दिन रख करके जो हम लोगों की समझदारी है कि जो शामिल हैं या साजिश करता है घटना करने वाले लोग हैं जिन गाड़ी का उपयोग हुआ गाड़ी भी कहिए कि मैंने थाने में रही पूरे अरंगी से लेकर बौराहा तक पूरे मिराल के सारे लोग समझ रहे हैं कि इन्हीं लोग घटना किए हैं। इसके बाद भी पुलिस यहाँ तक कि रामजी महतो की बेटी एसपी से लिखित शिकायत भी की है आवेदन दी है कि फलाने फलाने लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसलिए हम इस बात को बोल रहे हैं पुलिस के पास तो ये रहता है कि भाई अज्ञात केस है और हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जो घटना घटती है परिजन अगर नाम देकर उसको मुकदमा करते हैं तो उस घटना में पुलिस अपराधियों को पकड़ती है कुछ पैरवी से बल्कि डायरी में मेंटेन कुछ बचाने की कोशिश होती है लेकिन किसी इंसान का कोई राहगीर का कोई बाजार करने वाले लोगों का अगर हत्या कर दे कोई ना देखे तो पुलिस इससे कहिए कि लगातार भागती है हत्यारों को। ये तो पुलिस का अलग ही काम थी। ये तो सामान्य बात है कि कोई हत्या करे अगर हम बता दें तो वो तो न्यायालय भी सजा दे सकता है बिना पुलिस के भी काम चले सकता है। लेकिन जिन घटनाओं में पुलिस कोई अगर अज्ञात केस है नहीं देखा लोग उस घटना पूरे कर्म को जांच पड़ताल करते हुए अपराधियों तक पुलिस की पहुंचने के लिए फर्ज बनता है। लेकिन गढ़वा की पुलिस हम देखते हैं पिछले समय भी इस दिशा में जो एसपी रहे नहीं हुआ और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि इस दिशा में पुलिस नहीं बल्कि एक दिमाग में ये लग रहा है कि वो कहिए कहीं ना कहीं से इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पूरा इस जिले के अंदर एक खौफ कोई आवाज़ उठाए कि नहीं इसके खिलाफ ये दहशत का माहौल कायम है। इससे लोग को निजात देने के लिए विश्वास और पैदा करने के लिए अपराधियों के खिलाफ संघर्ष की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे और हम लोगों का तो पहला कल हुआ लेकिन मिराल में इस इलाके में घटना घटी है। हम लोग एक बड़ी गुलबंदी कर रहे हैं अपराध के खिलाफ एकजुटता सभा उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। अरंगी में एक बड़ी सभा होगी और संभवतः हम लोग ये 24 तारीख के डेट निर्धारित किए हैं कि हजारों लोग अपराध के खिलाफ लाठी उठाएंगे कमर कसेंगे। सिर्फ हम पुलिस के भरोसे ही यहाँ की जनता को नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि पुलिस पर से जनता के विश्वास इनकी भूमिका के कारण से उठते जा रहे हैं। गेमवार में भी घटनाएं घट रही है उससे भी दहशत का माहौल अब ग्वाल वाले इलाके में भी देखिएगा तो एक दहशत का माहौल बना हुआ है। अब एक कितना सही थे कितना कौन गिरोह के थे कौन गिरोह के नहीं थे मैं उधर नहीं जाना चाहता लेकिन ये पूरा पूरी कहिए कि अपराध में इजाफा हुआ है। एक बार ठीक है एसपी अगर अभी नहीं आई हुई हैं चीज़ों को देखने के लिए व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा आते आते लगा इस जिले के लोगों को चलिए कम से कम बालू पर एक जो माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसने की दिशा में बड़ी हमला लगा हम लोगों को थोड़ा सा लगा था कि पूरे जगह के बालू या कुछ थानेदार पर कार्रवाई थोड़ा सा इस जिले की जनता के अंदर में कहिएगा ये महसूस होने लगा था कि पुलिस पर रिएक्शन हुआ है। लेकिन ये जो जाने जितना गई हत्याएं हो रही इस पर भी यहाँ के अधिकारियों से हमारी पार्टी का अपेक्षा है आम जनता की अपेक्षा है और जहाँ तक रघुवर सरकार की बात है या अगर आप मोदी सरकार की बात करिएगा तो अब पूरा पूरे लोग मूड तो बना ही लिए कि सरकार से नफरत पड़ा इस नफरत के और तेजी के साथ बढ़ाना हम लोग भाजपा भगाओ अपराध मिटाओ
जान बचाओ ये अभियान के तौर पर यानी कि ये कि गढ़वा विधानसभा के अंदर खासकर ये चलाएंगे। दुनिया में भी यानी हाँ घटना घटा एक जादव का कोई अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ, मेराल में घटना घट रहा नहीं अपराधी, इधर आप रविरंजन तो जला दिया तेजाब डाल करके उस नौजवान को, कोई आज तक अपराधी उसमें नहीं गिरफ्तार हुआ। आप उधर देखिए दलेली में जो घटना घटी ये है, ये दो दौर चल रहा है। हमको लगता है कि यहाँ के राजनेता सरकार ये सोचती है कि जो मारा गया वो तो मारा ही गया, चूंकि मारा गया तो वो वोट तब नहीं देगा, लेकिन और दूसरे हमको लगता है विपक्ष की पार्टी भी यही सोचते हैं कि जो मारा गया वो तो वोट नहीं देगा, लेकिन जो अपराधी लोग है अगर वो जीवित है तो उसी से ना वोट की जरूरत फिर पड़ेगा। इस दिशा में भी हमको लगता है कि यहाँ मैंने जो राजनीतिक पार्टियां हैं पक्ष के लोग हों या विपक्ष में भी हम देखते हैं कि इस दिशा में उनकी कोई पहल नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ इन घटनाओं के खिलाफ हत्या हो, बलात्कार हो, गरीबों पर जुल्म हो, अत्याचार हो, भाकपा माले लड़ती रही है और आने वाले समय में। मौके पर राज्य कमेटी सदस्य रविंद्र भुइयां, अनिल तिवारी, संजय कुमार सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। धन्यवाद।